अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ईशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक विलेज व्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दुआ है अल्लाह पाक से आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपको रस्सी बनाने का मुकम्मल तरीका दिखाऊँगा कि हम लोग गाँव में किस तरह अपने हाथों से रस्सी को बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखें, ये अभी हम रस्सी बनाने लगे हैं। रस्सी वैसे तो बाज़ार से बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन हम लोग खुद गांव में अपने हाथों से खुद तैयार करते हैं इसको, और ये मज़बूत भी होती है। ये देखें, ये इन्होंने थैला पकड़ा हुआ है। दात्री चाहिए, दात्री नल सही कभी जी। और ये इनके पीछे आप देख सकते हैं ये जानवर बैठे हुए हैं, बहुत सारे जानवर हैं। तो इनकी एक और वीडियो भी मैंने बनाई है जिसमें ये दूध वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो वो वीडियो आप देखना चाहें तो वो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी इस थैले को खोलेंगे, इसकी जो बारीक बारीक तंद नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी हम अलग करेंगे। पहले इसको अलहदा करेंगे, उसके बाद जो है हम रस्सी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का एक थैला है। अभी ये देखें, ये इसको उखाड़ रहे हैं, इसमें से ये जो छोटी छोटी तंद है ना, ये अलहदा कर रहे हैं। अलहदा करके फिर जो है हम रस्सी बनाएंगे। तो ये देखें जी, ये रस्सी बनाना स्टार्ट हो गई है। ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, ये रस्सी बना रहे हैं। ये बारीक सी रस्सी है, ये बहुत ही लंबी रस्सी बनाएंगे और इसके बाद जो है इसको डबल करके एक मजबूत रस्सी बनाएंगे। तू ही थी कार कपड़े तेरे मेले देख कैमरा ठीक है। और ये रस्सी जब तैयार हो जाएगी तो इससे हम जानवर भी बांधते हैं और भी बहुत सारे काम आती है ये रस्सी। और ये देखें जी, ये हमने अलग अलग तरह के थैलों को उखाड़ लिया है, ये उसकी तंदे पड़ी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये हम कलरफुल रस्सी बनाएंगे। ये दो तीन कलर के थैलों को हमने उखेड़ा है, तो अब ये जो है रस्सी कलरफुल तैयार हो जाएगी। अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो एक थैले के एक ही कलर से आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं एक ही कलर में। और ये जो रस्सी बनाने का तरीका है ये बहुत ही पुराना तरीका है, गांव में अब भी इस्तेमाल हो रहा है, लोग गांव में अब भी इसी तरह रस्सी बनाते हैं, अपने हाथों से खुद ही तैयार करते हैं इसको। ये खुद रस्सी बनाने का एक और भी फ़ायदा है, आप इसको जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको बड़ा छोटा करके आप बना सकते हैं खुद। ये देखें जी, ये रस्सी को ट्रिपल कर रहे हैं, ट्रिपल से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, वो आपकी मर्ज़ी। आप इसको डबल करके भी बना सकते हैं, ट्रिपल करके भी बना सकते हैं, ट्रिपल करेंगे तो और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगी ये। ये ट्रिपल करके अभी ये बना रहे हैं ये रस्सी।
लाची वाला जवानी बिच रस्ता चाहते आ गया पीछा थी जुलो ना ये चाचा खुला थी आ गया पीछा थी जुलो वाट कढ़ेंदा आए ना मामा सोटी चावे सोटी चावे खड़े वे आली तू हो पर हां रिंगी साहब है साहब ते मुचे कना ए हां हुन सही है ये हां हुन सही हां ए रिजल्ट ही सही है जबरदस्त ते गल्ला दे मुचे दे वाल सारे बैठ नजर दे वाल जोर लाओ एक फिर जोर लाओ ना दूहे जोर ले सन आ गया और ये देखें जी ये रस्सी चेक हो रही है खैर ये मजबूत है कि नहीं ये आप देख सकते हैं तो अभी बस ये देखें ये फाइनली रस्सी तैयार हो चुकी है अब आप इसको अपने मकसद के लिए जहां इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।